कीवर्ड रिसर्च टूल से हमने ये तो फाइंड कर दिया हम कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, लेकिन अब जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर दिए हैं तो कौन सी बेसिस पर हम उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे, वेबसाइट का मंथली सर्च वॉल्यूम कितना होगा, केडी स्कोर क्या होता है, एसडी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीवर्ड रिसर्च टूल से रिलेटेड मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने फ्री प्लस पेड वेबसाइट दिखाई थी जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी क्वालिटी के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक पेड वेबसाइट ओपन करूंगी और उसके थ्रू आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा यही वाली कीवर्ड डेंसिटी, एसईओ, ये सारे स्कोर आप फ्री वर्जन के अंदर भी देख सकते हो। मैं आपको फ्री वर्जन में भी दिखा दूंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक पेड वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन कर देंगे और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपने पास ओपन कर देती हूँ अपना वो अकाउंट जहाँ पे मेरे पास स्पाइफू का पेड वर्जन है। मैं यहाँ से अपना कोई भी एक अकाउंट ओपन कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पाइफू। अब जब मैंने स्पाइफू यहाँ पे लिख दिया तो देखे यहाँ पे डिटेल के अंदर इस सब से रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्पाइफू के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हो। इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब फर्स्ट वन मैंने क्या करना है, देखें यहाँ स्पाइफू के अंदर टॉप के अंदर ओवरव्यू का ऑप्शन है, इसके अलावा एसईओ रिसर्च का ऑप्शन है, पे पर क्लिक रिसर्च का ऑप्शन है, कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, बैक लिंक जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करते हो उसका यहाँ पे ऑप्शन है। अभी हमने क्या फाइंड करना है कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड हमने देख लिया कि हमने इस कीवर्ड को यूज करना है वेबसाइट के अंदर, अब हम देखेंगे उसका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है या एसडी स्कोर कितना है उसका। तो हम यहाँ टॉप के अंदर अपना कोई भी एक कीवर्ड लिख देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑनलाइन अर्निंग। अब ऑनलाइन अर्निंग में अपने पास कीवर्ड लिख देती हूँ, आगे मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देती हूँ। अब जब मैंने देखे यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास इसका डिटेल में वर्जन, इसका डिटेल में ऑप्शन आ जाएंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अब देखे मेरे पास ये सारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस ओवरव्यू के अंदर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मुझे बता रहे हैं कि 11,000 मंथली सर्च वॉल्यूम है जस्ट इस कीवर्ड के ऊपर। आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, और अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो उनके अंदर आप ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, ये एक सॉलिड टिप है। इसके अलावा मंथली वॉल्यूम के अंदर आप यहाँ पे 11,000 देखें, 11,000 मंथली वॉल्यूम सर्चेज हो रही हैं सिर्फ इस ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। इसके अलावा अब इसी तरह के मजीद कीवर्ड हमें दिए गए हैं कि 13,313 सिमिलर कीवर्ड्स हैं इसी एक ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। देखें हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन 62,000 इसके ऊपर मंथली सर्च वॉल्यूम है, अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर 53,000 है, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर 11,000 है। तो ये सारा सिमिलर कीवर्ड हमें बता दिए स्पाइफू ने कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम कितनी है, 11,000 है। सिमिलर कीवर्ड हमें बता दिया कि आप ये वाले कीवर्ड यूज कर सकते हैं। 2,700 यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड लोग किस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं गूगल के ऊपर, तो हमें साथ में ये सारी डिटेल भी बता दी कितनी जबरदस्त साइट है ये। इसके अलावा नीचे हमें एस्टिमेटेड क्लिक्स बता दिए कि ऑनलाइन अर्निंग अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करोगे तो 7,700 आपके पास, 7,700 आपके पास यहाँ पे एस्टिमेटेड क्लिक्स होंगे। देखें ये जो ग्रीन लाइन और आपको ये ब्लैक लाइन आपको ये दिख रही है ये लोअर है, अगर ये सारे का सारा ग्रीन लाइन हो जाए तो मतलब इसके एस्टिमेटेड क्लिक्स बहुत ही ज्यादा है, आपके पास इसके बहुत ज्यादा क्लिक्स आएंगे। और ये लोअर वर्जन है, मिड में यहाँ पे देखें 69% चांसेस है कि आपके इस कीवर्ड के ऊपर लोग, आपके इस कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च करें, क्लिक करें। अब देखिए मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप, तो यहाँ पे मोबाइल के लिए ग्रीन हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ये ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है इतनी सर्चेस मोबाइल फोन से होंगी इस कीवर्ड के ऊपर। डेस्कटॉप से हमारे पास ये पर्पल कलर शो किया गया है कि डेस्कटॉप से लोग इस कीवर्ड को जो सर्च करेंगे वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इतने ज्यादा लोग हैं। अब यहाँ पे मजीद इनफ डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, पेड क्लिक इसके ऊपर कितने हैं, लोअर 0-3% है, हायर 13% है, ठीक है। डिफिकल्टी कितनी है, अब देखो केडी होती है कीवर्ड डिफिकल्टी या एसईओ डिफिकल्टी, कीवर्ड कंपटीशन कितना है वो हम काउंट करते हैं 1 to 100 में से। अब जितनी ज्यादा वैल्यू 100 के करीब होगी
मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। वो कीवर्ड जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी अबव 60 है, अबव 70 है, मतलब उसके ऊपर रैंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हायर वेबसाइट ने उस तरह की वर्डिंग यूज की होती है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो जितना ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना ही कम चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। तो इसलिए आप कोशिश करें जब आप कीवर्ड रिसर्च करें तो KD मींस कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड डिफिकल्टी 1 to 100 में से 50 है, 60 है, 70 है, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स ना यूज करें अपनी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर सर्चेस भी बहुत कम होंगी और आपके पैसे भी बहुत लगेंगे अगर आप पेड क्लिक्स देना चाहते हो तो। यहाँ पे डिफिकल्टी है 42%। तो मैं इस कीवर्ड को, अगर मेरी वेबसाइट पुरानी है, अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, 42 डिफिकल्टी भी नॉर्मल है, लेकिन 50 या 60 से ऊपर जितना होगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करने के चांसेस बहुत मुश्किल। इसके अलावा गूगल ने जो प्रोवाइडेड किया है डेटा कॉस्ट पर क्लिक, अगर मैं गूगल एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज करती हूँ तो कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे दिया हुआ है $0.78। ये कीवर्ड मैं यूज करूंगी अपनी वेबसाइट के अंदर, यूजर इस पर क्लिक करेगा। अब एक यूजर मेरी वेबसाइट पर इस कीवर्ड के थ्रू क्लिक करता है तो मुझे गूगल एड्स के थ्रू गूगल को पैसे देने पड़ेंगे $0.78। मंथली कॉस्ट कितनी पड़ेगी? $6,742। और सर्च वॉल्यूम यहाँ पे अभी हमें मेंशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें आल्सो रैंक फॉर यही वाला कीवर्ड, आल्सो यही वाले कीवर्ड से रिलेटेड मजीद सर्चेस हैं, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड 53,000 है, 5.9 मिलियन यहाँ पे हमें रिसर्च सर्च वॉल्यूम दिया गया है कि यही वाला कीवर्ड इन कीवर्ड के ऊपर भी रैंक करता है। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर पेड वर्जन यूज कर रहे हो, आप ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के अंदर इनका सर्च वॉल्यूम यूज कर सकते हो। अब हमारे पास ST होता है, SEO डिफिकल्टी। जितनी ज्यादा SEO डिफिकल्टी होगी, अब देखें 0 to 100 में से हमें काउंट की जाती है कि 0 to 100 में से कौन से नंबर पर आपके कीवर्ड की ST वैल्यू आती है। जितनी ज्यादा ST वैल्यू होगी उतना ही मुश्किल होगा आपकी वेबसाइट के लिए रैंक करना, टॉप पर आना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और ST वैल्यूज के अंदर क्या देखा जाता है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, आपने बैक लिंक्स कितने डाले हुए हैं। इसके अलावा वहां पे साइटेशन फ्लो देखा जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर नीचे रेफरेंस लिखे हैं, साइटेशन आपने ऐड की है। ये सारी चीजें SEO डिफिकल्टी के अंदर देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रस्ट फ्लो का फैक्टर भी काउंट किया जाता है ST के अंदर, आपने जो कंटेंट लिखा है वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। अब ये मंथली सर्च वॉल्यूम क्या होता है, ये मंथली सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसका मतलब ये है कि लोग उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तभी तो वो ज्यादा उस चीज से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख देती जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम होता 500, 200, तो मतलब वो अच्छा कीवर्ड नहीं है, लोग उसके ऊपर सर्च ही नहीं कर रहे, तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर उसे क्या यूज करें। लेकिन यहाँ पे 11,000 है तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, हम इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो अब जितना ज्यादा KD वैल्यू होगी, जितना ज्यादा ST वैल्यू होगी, तो मतलब हमारी वेबसाइट के लिए रैंक करना मुश्किल है। और इसकी कॉस्ट पर क्लिक भी बहुत ज्यादा आती है कि डिफिकल्टी लेवल ही बहुत ज्यादा है, आप फिर भी डिमांड करते हो कि गूगल उसे रैंक कराए, तो कॉस्ट पर क्लिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप नीचे देखें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो गूगल टॉप एड्स बाय रिकमेंडेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये इंप्रेशन 11,000 लेकर आता है और कंपटीटर्स इस कीवर्ड को यूज करते हैं। इसके अलावा ये नीचे यहाँ पे मजीद भी इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड दिए हुए हैं। इसके अलावा 322,000 इनके ऊपर हमारे पास सर्च वॉल्यूम है। नीचे आप देख लें वो एडवर्टाइजर जो इन कीवर्ड्स के ऊपर एड्स लगाते हैं उनकी परसेंटेज भी यहाँ पे लिखी हुई है कि 50% उन्हें इसका प्रॉफिट आता है, इस तरह के जो वर्डिंग यूज की जाती हैं। इसके अलावा नीचे देखें ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग एनालिसिस, यहाँ पे हमें बैक लिंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें URL दिए हुए हैं और URL दिए हुए हैं जो इस तरह के कीवर्ड यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। रैंकिंग डिफिकल्टी 42% है। इसके अलावा यहाँ पे देखें डोमेन, ये जितनी भी वेबसाइट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन की स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखी हुई है और एस्टिमेटेड यहाँ पे क्लिक लिखे हुए हैं कि 1800 है, 930 है। इन वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड यूज करके इतनी ज्यादा उन्हें क्लिक्स आए हैं, इतने क्लिक्स आए हैं। और करंट एड इस ही कीवर्ड के ऊपर देखें लोगों ने जो एड्स लगाए हुए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है कि ये वेबसाइट है, इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट के अंदर लिखा है और उसके बाद वहां पे उन्होंने
एड रन किए हैं। तो ये सब था आज की वीडियो के अंदर SEO कीवर्ड रिसर्च टूल्स से रिलेटेड। इसके अलावा हमने देखा कि कौन से कीवर्ड बेस्ट हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सब था आज की वीडियो के अंदर SPIFO से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने देखा कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, किस कीवर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करेंगे। इसके अलावा Uber Suggest, Answer the Public, Ahrefs, बाकी सारी वेबसाइट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी, उनके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो और अपनी बेस्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। फ्री वेबसाइट जो आप रिसर्च कर रहे हो जैसे Uber Suggest है, वहां पे भी आपको बहुत बेस्ट कीवर्ड मिलते हैं जिनका मंथली सर्च वॉल्यूम बहुत बेस्ट होता है और कॉस्ट पर क्लिक भी वहां पे आपको मेंशन की जाती है। ये सब था SPIFO से रिलेटेड। फ्री वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करें और वहां पे भी आप KD वैल्यू, ST वैल्यू को रिसर्च करें। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।